तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है आई बिकम बिग शॉट ऑन द हेवनली लीडर बोल के एक और एपिसोड में। और स्टार्टिंग में हमें सिया को दिखा जाता है जो कि किसी के सामने बैठी होती है और बोलती है कि मैं हैरान हूँ कि तुम इस कॉम्पिटिशन को सुपरवाइज करूँगी। फिर उसके सामने वाली लड़की बोलती है कि एम्परर के मन में क्या चल रहा है उसे पता करने का कोई रास्ता नहीं है। क्या इतनी बड़ी बात तुम्हारे फादर ने तुम्हें नहीं बताई? सिया बोलती है कि उनके पास समय ही नहीं था ये बात बताने का, क्योंकि हाल ही में उनको मार्शल आर्ट सीखने का जुनून चढ़ गया है और कई बार तो उन्होंने घर को भी छोड़ दिया है। उसके सामने वाली लड़की बोलती है प्रैक्टिस, लेकिन अंकल सिया को तो इसलिए 10th लेवल तक पहुंचने में बहुत साल हो गए हैं और 9 बैंड हार्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन पहले से एक्टिवेट हो चुकी है और इस लेवल तक कल्टीवेट करने के बाद ब्रेक थ्रू करना मुश्किल हो जाता है और लाइफ में कितने ही लोगों की अचीवमेंट यही रुक जाती है और बेहतर होगा कि आप उनको एडवाइस दो। फिर सिया बोलती है कि मेरे फादर को चिड़चिड़ा होने के लिए कौन रोक सकता है और वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और इसके बारे में अभी बात मत करो और मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैं हाल ही में एक हिडन मास्टर से मिली। और यह बात सुन के उसका मुंह लटक जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है क्या तुम फिर से किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गई? और उसकी आइडेंटिटी क्या है और वो कौन से सेक्स है? क्या तुमने पूरा चेक किया है उसके बारे में? और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर सिया बोलती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन अचानक बहुत भयानक क्यों हो गए हैं? और तुम चिंता मत करो, उसकी इन्फॉर्मेशन को डैड ने किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दिया है और इसके अलावा वो छोटे जानों से बहुत प्यार करता है और छोटी सी एज में अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए भी तैयार है और ये डेफिनेटली एक अच्छा डिनर होगा। लेकिन हमें तुरंत बाद में एंकर का एक इविल सा लुक दिखा जाता है। फिर सीन से होता है हमें एमसी के सामने उस बॉस को नीचे बैठा हुआ दिखा जाता है और वो एमसी को कुछ देता है। एमसी बोलता है क्या ये एक लेक्स क्रोफ्लारियासी है? लेकिन ये पेंटिंग में दिखाए गए से बिल्कुल अलग है, क्या ये चिकन सूप में काम आता है? और ये उस चीज़ जैसा क्यों लग रहा है जिसका इस्तेमाल मेरी मम सूप बनाने के लिए करती थी? और वो बॉस बोलता है कि एक ब्लैक स्क्रोफुलरियासी से ये सूप बनाता है, आखिर ये आदमी कितना अमीर है? और वो रोते हुए बोलता है कि यार मैं अमीर लोगों की दुनिया को नहीं जान और बोलता है कि यार मैं अमीर लोगों की दुनिया को नहीं समझ पाता। फिर एम से बोलता है तो ठीक है, अब सब चीज़ें तय हो चुकी है तो तुम्हारा छोटा भाई जा सकता है। बॉस बोलता है मुझे जाने दो और वो शौक होता है और बोलता है क्या क्या वो चले भी गए मुझे छोड़ के? एम से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी पहचान इतनी जरूरी है कि मैं उसे पर्सनली जानूँ? और एक छोटे से क्यू को मारना और उसकी बॉडी को जमा करना कितना शर्मा खाऊंगा? और इस एटमॉस्फेयर में लाइफ का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और चांस मिलने पर उसे तुरंत जाने के बजाय मौत की मांग करना ये सबसे ज़्यादा रूढ़ होता है। हालांकि एक विलन के रूप में मैं तुमको एक कुछ सलाह दे सकता हूँ और बोलता है कि तुम्हारी तरह मैंने बहुत सारे कैनन रेडर में काम किया है और एमसी यहाँ पे वीडियो बनाने का जिक्र करता है। तो यार ये वीडियो बस यहाँ तक की था क्योंकि मेरा आज सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, मुझे बहुत काम था इसलिए मैं इसका आधा पार्ट ही डाल रहा हूँ और ये पार्ट भी मैं रात को 7:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अपलोड करके 8 बजे तक डाल दूँगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।